Good morning, student. I hope you all are well. In our today's class, I'm going to start new topic, missing letters. Missing letters. इस चैप्टर में या इस टॉपिक में मिसिंग लेटर का मतलब होता है एक स्पेलिंग आपको गिवन होगी, ठीक है, उसमें आपको एक स्पेलिंग होगी, इसमें आपको एक वन या टू वर्ड्स एस लेटर्स सॉरी वन या टू लेटर्स उसमें कोई भी एक स्पेलिंग होगी, उसमें क्या वन से या तो वन या टू लेटर्स मिसिंग हो सकते हैं यानी नहीं लिखे हुए होंगे उसमें, तो आपको वो स्पेलिंग कि वो वर्ड कौन सा है, वो कौन सी स्पेलिंग है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और देन उसके बाद आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि करेक्ट स्पेलिंग उसकी क्या होती है और कौन सा लेटर उसमें मिसिंग है, तो आपको उस तरीके से लेटर को स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसमें आपको देखो लर्न करने की जरूरत क्या होती है कि ऐसे नहीं है कि आप इस चैप्टर को अब आपको एक पर्टिकुलर कोई भी स्पेलिंग गिवन होगी और आपको उसी को लर्न करना है और उनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, अब तक आपने जो भी जितनी भी स्टडी कर ली है और अब तक आपको जितनी भी स्पेलिंग आई है उसमें से कुछ भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकते हैं क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ भी आ सकता है, अगर आपकी जितनी अच्छी आपकी स्पेलिंग्स आपको जितने अच्छे से लर्न होगी उतने इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और मिसिंग लेटर्स को कर पाएंगे कंप्लीट। अगर आपको स्पेलिंग्स नहीं लर्न है कोई पर्टिकुलर मैं आपको नहीं बताऊंगी या कि है ना यही आएंगी आप ये 50 लर्न कर लो, ये आपको 20 स्पेलिंग्स है ये वर्ड्स लर्न कर लो और आपको वो चैप्टर ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी स्पेलिंग आ सकती है, तो आपको जब भी आपको स्पेलिंग देखो तो आप अपने माइंड में या उसको लर्न करने की कोशिश किया करो, ठीक है, इससे आपको स्पेलिंग्स भी लर्न होगी और ये आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको आगे भी सही रहेगा, आपको स्पेलिंग्स आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिलिंग द मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी है सो हम देखते हैं इसको आइडेंटिफाई करते हैं फिल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर है बी ई एल ई वी ई, तो इसको देखते हैं कि किसकी स्पेलिंग बन सकती है, ये बन सकती है बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास, अब उसकी स्पेलिंग क्या होती है बी ई एल आई ई वी बिलीव, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने देखा ई ई डैश सी ई, तो हमारे माइंड में आया कि पीस की स्पेलिंग बन सकती है, अब आपको लर्न हुई, मुझे लर्न है तभी तो मुझे पता चला, आप मान लो आपको ये नहीं पता कि स्पेलिंग क्या होती है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मुझे पता था इसलिए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्पेलिंग पीस होगी, पीस का मतलब शांति, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर ए एफ आर आई डी, किसकी स्पेलिंग बन सकती है अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरना या डर, डर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर W O N D E R wonder, next fifth number R E D C E reduce, reduce की स्पेलिंग होगी, reduce का मतलब कम करना, ये देखा आपने F, ये स्पेलिंग देखो feathers की भी बन सकती है लेकिन feather की स्पेलिंग में F E A T H E R होता है, यहाँ पे स्पेलिंग कौन सी बन सकती है सिर्फ फादर, ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ पी एल ई एस ई, पहचाना कौन सी होगी प्लीज, पी एल ई ए एस ई प्लीज। नेक्स्ट एट्थ नंबर एस एच यू टी डैश है और यूटी लिखा हुआ है, अब वन लेटर इसमें मिसिंग है, अब आप देखोगे ऑलरेडी ये स्पेलिंग बन रही है, वैसे एस एच यू टी शर्ट भी होता है लेकिन और कौन सी स्पेलिंग बन सकती है, तो हमने अगर सोचा तो स्पेलिंग शाउट बन सकती है, एस एच ओ यू टी शाउट, चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर सी एच एन जी ई, क्या बन सकती है स्पेलिंग चेंज, चेंज हो सकती है ना स्पेलिंग, सी एच ए एन जी ई चेंज बदलाव, ठीक है। टेंथ नंबर एफ एस टी आई वी ए एल, किसकी स्पेलिंग
स्पेलिंग होती है। अब देखते हैं अगर आपको स्पेलिंग ध्यान है कौन सी हो सकती है, फेस्टिवल। स्पेलिंग भी ध्यान, अब अगर आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन स्पेलिंग ध्यान नहीं है, मान लो सपोज आपने लिख दिया FASTIVL, स्पेलिंग आइडेंटिफाई करने का मतलब ही नहीं रहेगा जब तक आपको स्पेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 11th PEPLE, किसकी स्पेलिंग बन सकती है, पीपल, लोग। नेक्स्ट 12th, इसमें टू लेटर्स मिसिंग है। अब आप ये देखो OCCAIN, किसकी स्पेलिंग बन सकती है ये, ओकेजन, ओकेजन SION, ओकेजन। नेक्स्ट 13 ARROW, एरो, डबल आर, ठीक है। नेक्स्ट 14th नंबर PL, ये L है, PLCE, प्लेस, करेक्ट, यस, प्लेस। सो इस तरीके से, अब जब मुझे पता था इनकी, ऐसे नहीं है कि मुझे पहले से इसको आंसर मैंने देखे हुए थे, नो, लेकिन मुझे स्पेलिंग्स लर्न है तो मैंने जैसे ही देखा मुझे पता चल गया कि हाँ ये स्पेलिंग हो सकती है, ये स्पेलिंग होगी, और फिर मैंने उनके थ्रू मैंने क्या कर लिया, उसको मिसिंग जो लेटर्स थे उनको कंप्लीट कर लिया। तो आपको भी इसी तरीके से करनी है, ज्यादा से ज्यादा जब भी आप किसी भी कोई भी चैप्टर रीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान देना है आपको कि हाँ ये स्पेलिंग ये है, इसकी स्पेलिंग ये होती है, लर्न करना है, इससे आपको स्पेलिंग भी लर्न होगी अच्छे से और आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक अपनी अपकमिंग क्लास में लेंगे, जंबल वर्ड्स, जंबल लेटर्स, जो जंबल लेटर्स वाला टॉपिक जो होगा उसमें जो वर्ड्स होंगे उनकी स्पेलिंग जो होगी, लेटर्स होंगे वो उल्टे पुल्टे होंगे, मतलब करेक्ट नहीं होंगे, तो कौन सी स्पेलिंग करेक्ट, किस तरीके से हम उसको बना पाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आपको बस यही करना है, यही टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये मिसिंग लेटर वाला बहुत वैसे इजी है कहने में देखा जाए तो, ठीक है। सो आई विल सेंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो ईच स्टूडेंट डू, नॉट दिस वर्क, यस यू ऑल्सो डू दिस वर्क, एंड जो मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगी वो भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।